साथ गीतांजलि जादौन। गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बता दें कि पति ने पत्नी के आशिक को फरसे से काट दिया। इतना ही नहीं, शव के बेरहमी से 12 टुकड़े किए गए और शव को बोरी में भरकर नदी किनारे फेंक दिया गया। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि गाजियाबाद में एक रिक्शा चालक ने पत्नी के बॉयफ्रेंड को जयपुर से बुलाकर मार डाला। फरसे से उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को बोरी में भरकर नहर किनारे फेंक दिया। पुलिस ने अवशेष बरामद कर आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि हत्याकांड में रिक्शा चालक का एक रिश्तेदार भी शामिल था। पुलिस उसकी तलाश में अब लगातार दबिश दे रही है। जब इस पर डीसीपी से बात की गई तो उनका कहना था कि शनिवार दोपहर 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने खोड़ा थाना क्षेत्र में पुष्ता के पास एक बोरे में शव होने की सूचना दी। बोरे के अंदर से कुछ अंग बाहर निकले हुए थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसमें एक युवक की लाश के कई टुकड़े मिले। मृतक की पहचान अक्षय के रूप में हुई। वो मूल रूप से राजस्थान में जयपुर जिले के कोटपुतली का रहने वाला था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि मरने वाले शख्स को आखिरी बार रिक्शा चालक मीलाल के साथ देखा गया। मीलाल आदर्श कॉलोनी खोड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने मीलाल को कस्टडी में ले लिया। उससे पूछताछ की तो उसने हत्या की बात को कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि वो मूल रूप से संभल का रहने वाला है। पिछले करीब 1.5 साल से खोड़ा में रह रहा है। आरोपी ने बताया कि अक्षय ने उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए। उसने कई बार पत्नी को अक्षय से फोन पर बात करते हुए सुना। अक्षय करीब 3 साल पहले गाजियाबाद में रह रहा था। उसी दौरान उसका मीलाल की पत्नी से अफेयर हो गया। 19 जनवरी को ही आरोपी मीलाल ने अक्षय की हत्या कर दी। इसके बाद फरसे से शव के 10 से 12 टुकड़े किए। फिर 20 जनवरी की रात एक बोरे में उसने कुछ टुकड़ों को भरकर खोड़ा में नहर के पास फेंक दिया, जबकि सिर और अन्य कुछ पार्ट दूसरी जगह फेंक दिए। अब 21 जनवरी को जब लोगों की नजर बोरे पर पड़ी तब इस वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों स्थानों से मानव अंग बरामद किए हैं। शनिवार रात पुलिस को लाश का सिर और हत्या में प्रयुक्त किया गया फरसा भी बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में पुलिस टीम जुटी हुई है। वहीं घटना से सकते में आ गए।